नमस्कार दिस इज दीपिका शर्मा एंड यू आर वाचिंग टीचिंग आउटलुक लास्ट फोर वीडियोस में हमने प्याजे की थ्योरी को स्टडी किया था और आज हम उसके रिलेटेड एम करेंगे उससे पहले जो लास्ट एम की वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना था तो देखिए देखते हैं कि क्या था वो क्वेश्चन क्वेश्चन uh, था वैल्यू ऑफ को रिलेशनल कॉफिशेंट लाइज बिटवीन तो आपको को co रिलेशनल की वैल्यू बतानी थी कि किस में लाई करती है माइनस टू से टू में या जीरो टू वन में या माइनस वन टू जीरो में या माइनस वन टू वन में तो राइट right आंसर आना था माइनस वन टू वन में आप देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसका राइट right आंसर दिया था राइट right आंसर दिया था वंदना देवी शिव ओम प्रियंका दीपिका शर्मा आरती राणा और मृदुल राना ने जो कि डिंपल है तो इस वीडियो के एंड में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर अगर आप देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और अपनी पार्टिसिपेशन शो करिए अगर आप वीडियो से कुछ जान रहे हैं कुछ सीख रहे हैं तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं प्याजे की थ्योरी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिछले इयर्स में आए हैं या जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू प्याजे द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर ए थ्री बी फोर सी फाइव या डी सिक्स तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया ही है कि प्याजे की थ्योरी के फोर स्टेजेस हैं प्याजे ने फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल और अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड जो हमारी सोशल और अदर कोग्निशन को गाइड करता है उस मेंटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ए इंप्रेशन ब्री बी प्री जुडाइस सी स्कीमा या डी नन ऑफ दीज तो इसका राइट right आंसर आना था ऑप्शन सी स्कीमा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेंसरी चैनल इनमें से कौन से जो है वो सेंसरी चैनल कह सकते हैं हम उनको विजन हियरिंग टच या ऑल ऑफ दीज तो आपको पता है कि ये सारे ही हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्ड हुड लेटर चाइल्ड हुड के अंडर कौन सा एज ग्रुप फॉल इनमें से आएगा तो ए है 18 टू 24 फोर ईयर्स बी बर्थ टू 6 ईयर्स सी 6 टू 11 ईयर्स या डी 11 टू 18 ईयर्स तो आपको पता है कि लेटर चाइल्डहुड में 16 टू 11 ईयर्स आएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया था अब यहां पे आपको बताना है किस चीज की डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है हमारी थिंकिंग हमारी मेमोरी से रिलेटेड है तो इसका राइट आंसर आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑप्शन डी नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस काग्नेटिव डेवलपमेंट इनमें से कौन सी चीज जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को नहीं इन्फ्लुएंस करेगी नहीं प्रभाव डालेगी तो आपको बताना है इनमें से कौन सी होगी वो ए एक्टिविटी बी मैच्योरेशन सी सोशल एक्सपीरियंस या डी लैंग्वेज तो एक्टिविटी जो है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगी तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज ये भी मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि नई इन्फॉर्मेशन जब हम फिट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में तो उसको हम क्या बोलेंगे ए इक्विलिब्रेशन बी असिमिलेशन, सी ऑर्गेनाइजेशन या डी एकोमोडेशन तो उसको हम बोलेंगे असीम्यशन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट इज इमिटेशन ऑफ अदर्स इज एन एग्जाम्पल जब बच्चे दूसरों की नकल करते हैं तो वो किसके एग्जाम्पल बन जाएगी एसिमिलेशन इक्विलिब्रियम स्कीमा या एकोमोडेशन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एकोमोडेशन एकमोडेशन के एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू प्याजे इज कौन सा जो है पीरियड माना जाएगा इनमें से ड्यूरेशन जो प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज बताती है वन टू थ्री इयर्स जीरो टू टू इयर्स थ्री टू फाइव इयर्स या फोर टू सिक्स इयर्स तो इसका राइट right ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी जीरो टू टू इयर्स नेक्स्ट इज इनिशिएटिव थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेंसरी मोटर स्टेज बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या डी प्री ऑपरेशनल स्टेज तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी प्री ऑपरेशनल स्टेज नेक्स्ट है operational. इन प्याजेज थ्योरी ड्यूरिंग विच स्टेज कंजर्वेशन ऑफ मास वॉल्यूम लेंथ एक्सेट्रा अकर कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर या फॉर्मल ऑपरेशनल इनमें से कौन सी स्टेज पे जो बच्चा है वो मास वॉल्यूम लेंथ वगैरह की जो कंजर्वेशन है नॉलेज की वो कर पाता है वो आपको बताना तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट ऑपरेशनल नेक्स्ट इज द स्टेज प्री ऑपरेशनल इज कॉल्ड प्री ऑपरेशन बिकॉज चिल्ड्रन आर प्री डिटर्माइंड चिल्ड्रन आर प्री प्लानिंग चिल्ड्रन हैव नॉट मास्टर्ड द एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबब तो मैंने आपको बताया था प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिक से पहले तो इसमें चाइल्ड जो है उसने अपनी मास्टर नहीं की है मेंटल ऑपरेशन की एबिलिटी को तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज द स्टेज इन विच चाइल्ड कैन थिंक यहाँ पे चाइल्ड को के स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो देख लीजिएगा द स्टेज इन विच चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज इवेंट इज ए सेंसरी मोटर बी प्री ऑपरेशनल सी कंक्रीट ऑपरेशनल या डी फॉर्मल ऑपरेशनल तो जो लास्ट स्टेज है उसमें बच्चे सब कुछ जान जाते हैं तो लॉजिकली सोच पाते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रन थिंकिंग इज डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश काइंड और अमाउंट या साइज और करेक्टनेस या साइज और टाइप या अमाउंट और काइंड ये पंजाब टेट में आया हुआ क्वेश्चन था तो आपने इसका राइट right आंसर बताना है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए काइंड एंड अमाउंट प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे की जो थिंकिंग है वो बड़ों से काइंड में और अमाउंट में डिफरेंट रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर किसी कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग अगर बच्चे चीजों को ग्रुप करते हैं तो वो किसके अंडर आएगा ए अकोमोडेशन बी एसिमिलेशन सी स्कीमा या डी क्लास इंक्लूजन तो इसका राइट right ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी एसिमिलेशन अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आप इसका आंसर जो है वो कमेंट uh, सेक्शन में करेंगे जीन प्याजे वाज अ डैश साइकोलॉजिस्ट ए अमेरिकन बी स्विस सी ब्रिटेन या डी नन ऑफ दीज अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा और अगर नहीं भी देखी है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर आंसर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा तो ज़रूर पार्टिसिपेशन uh, शो करिए और अपना कमेंट में आंसर बताइए अगर आपको राइट right आंसर पता है तो Thank you for watching. Like, share, and subscribe to my channel. It will cost you nothing, but it will motivate me. Thank you so much.